यस सर। हाँ, अभी एक शेयर किया है। सबसे पहले हम लोग को मिला है टास्क की सब हेड माइनर हेड डिटेल हेड केस को कहते हैं, इसके बारे में पूछ समझ गए। ठीक सर एक आधा है, मिनट अच्छा वेट कर लेते हैं, अभी कुछ लोग और ज्वाइन करेंगे। ओके, अच्छा ठीक है। प्रियंका जी बोल रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, हेलो सर। सर स्टार्ट करते हैं सर, अब टाइम हो गया है। सर आवाज आ रही होगी। हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है ना? आ रही है ठीक सर, है, तो कंटिन्यू। जैसे एलोकेशन, हाँ, जो आदमी ईएनजीए में काम किए होंगे या फिर बिल पासिंग पर होंगे, वो एलोकेशन के बारे में जानते होंगे कि एलोकेशन से 03 212 03, उसमें एक डिमांड होता है, फिर माइनर हेड होता है, सब हेड होता है, डिटेल हेड और प्राइमरी यूनिट। सपोज करें कि हम लोगों का वेतन, यानी जैसे एक तो आपके सामने दे रहे हैं ये कि विश्वनिधि कार्यालय में जो हम लोग स्टाफ हैं सबका वेतन कैसे चार्ज होता है, क्या उसका एलोकेशन है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 03 212 03, ये बोनस 03 है। सपोज कर रहे हैं कि हम लोग का पे है, पे को हम लोग, पे का मतलब हुआ कि प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी यूनिट पे का 01 होता है, लेकिन ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है 03, ये बोनस का है। तो यहाँ सबसे पहले तीन का क्या डिनोट करता है, ये तीन डिनोट करता है डिमांड, और ए है सोर्स ऑफ फंड। तीन नंबर से ना, 3 4 5 6 7 8 9, यानी ABCD, इस तरह से आगे जो देखे होंगे डिमांड 16 है, 16 डिमांड में से एक और दो तो रेलवे बोर्ड के लिए है, और तीन से अपने जोनल रेलवे के लिए और डिवीजन सब के लिए बनाया गया है। तो ए से शुरू होता है, ए सोर्स ऑफ फंड है, उसी में 212 है, 212 फाइनेंस वॉल्यूम 2 किताब अगर देखेंगे, ठीक है, देखिए हम इसको खोल के दिखाना चाहेंगे, जैसे ये देखिए, ये फाइनेंस वॉल्यूम 2 का ये अब्स्ट्रैक्ट है, डिमांड नंबर 3 का अब्स्ट्रैक्ट, ये जो सोर्स ऑफ फंड हम बता रहे हैं वो अब्स्ट्रैक्ट ए कहलाता है। उसी में इधर जो 100, फिर 200, 300, 400 करके इस साइड लेफ्ट साइड में लिखा हुआ रहता है, ये 200 जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो कि अकाउंट्स को डिनोट करता है, और 200 में फिर 200, ये 200 जो है 200, ये माइनर हेड हुआ, 03 डिमांड हुआ, और 200 माइनर हेड हुआ, और 210 डिटेल हेड हुआ, सब हेड हुआ, सॉरी सब हेड हुआ, और उसी में से 211, 212, 213, 14 आगे स्वयं तो बहुत दूर तक है, तो 211 से लेकर के आगे का जितना भी है वो डिटेल कर रहा। सपोज करें कि अपने एफएनसीओ के वेतन के लिए एलोकेशन क्या लिखे, क्या होगा इस केस में, इस केस में होगा 0। आवाज नहीं जा रही, हेलो, आवाज नहीं जा रही, तो ठीक ठाक, या हेलो, तो आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रहा है। मेरे मेरे स्तर से ठीक ठाक आवाज दिख रहा है, आ रही आवाज सर। आ रही है ना? हाँ, जी तो सर। कहना चाह रहे थे कि ये जो हम लोग का सपोज करें कि एफएनसीओ के वेतन का एलोकेशन क्या होगा, तो उसमें सबसे पहले 03 जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, और उसके बाद माइनर हेड MSD, M4 माइनर हेड, S4 सब हेड, D4 डिटेल हेड, और लास्ट का जो 3 डिजिट है वो प्राइमरी यूनिट कहलाता है। तो 03 200 एफएनसीओ करेगा तो 211 01, और वही अगर डीए रहेगा तो 02 हो जाएगा, 03 लास्ट में होगा तो वो बोनस हो जाएगा। उसी तरह से CCHRA विभिन्न तरह का, ऐसे TA है तो 16 हो जाएगा, उसका प्राइमरी यूनिट के लिए नीचे सबसे लास्ट में दिया हुआ है, रेवेन्यू के लिए पीस देखिए 01 सैलरी एंड वेजेस, 02 डीएनएस पे एंड डीएनएस अलाउंस, 03 पीएलवी, 04 एचआरए। सर आवाज जा रही है? आ रही है। सर हेलो, तो कहने का मतलब यही, एक खर्च के लिए हमारा अकाउंटिंग सिस्टम 0 से लेकर के 9 पर आधारित है। सर
हेलो। यस सर बोलिए। हाँ, तो जीरो जीरो से लेकर के 9 पर आधारित है हमारा सारा बजट या सारा अकाउंटिंग सिस्टम, जो भी देखेंगे एलोकेशन सब में जीरो से लेकर 9 तक ही है। तो उसी केस में अगर अपना वेतन, मान लीजिए क्लास 3 एम्प्लाई का वेतन के लिए एलोकेशन क्या होगा, तो सबसे पहले 0-3 तो डिमांड होगा ही, ताकि हम लोग इसके पहले डिमांड जानना होगा डिमांड कौन कौन सा है। अगर वही इंजीनियरिंग का आदमी है तो उसके लिए डिमांड के लिए 4 हो जाएगा, और अगर ऑपरेटिंग का आदमी है तो 9 हो जाएगा, एसएमटी का आदमी तो 7 हो जाएगा, और मेडिकल का आदमी तो 11 हो जाएगा। इस तरह से सबसे पहले डिमांड, सारे डिमांड के बारे में जानना होगा, डिमांड कौन कौन सा है, रिलेटेड आदमी कौन है। तो अपने अकाउंट्स के बारे में अगर देखते हैं तो 03-212 पे रहेगा, 01 उसके बाद PU है। तो हम समझते हैं कि माइनर हेड सब है, डिटेल हेड के बारे में अवगत हो गए होंगे। ये एलोकेशन का F2 का किताब है। ये इस साइड देखिए माइनर हेड है, ये सब हेड है, ये डिटेल हेड है। 100 यानी जीएम साहब का अगर वेतन हम लोगों को देखना पड़े तो लिखना पड़ेगा 03, क्योंकि जनरल के हैं, 111-01, राइट। ये हुआ माइनर हेड और सब हेड डिटेल। सेम के ये रेवेन्यू साइड के लिए हुआ, सेम केस कैपिटल के लिए है। उसमें डिमांड पर क्या होता है, प्लानेट, प्लानेट के बारे में कुछ आइडिया होगा, 11 से शुरू होता है लेकर के 6500 है, नई नई निर्माण है, 1200 कुछ है, फिर 1500, 1400 डबलिंग है, 1500 कुछ है, 1200 यार्ड फैसिलिटी है, 1700 कंप्यूटराइजेशन है, 21 कई सहाय लगता है, रोलिंग स्टॉक। स्क्रीन ओके हाँ बोले। हाँ में सर सर चूंकि ये स्पेशल रिक्वेस्ट पर ये क्लास मतलब दिया गया है, प्लान हेड, मेजर हेड, सब हेड। सर आप जो बता रहे हैं ना, फिर से कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पहले आप ना उसका बेसिक चीज बताइए कि मेजर हेड क्यों बनाया जाता है, इसका नीड क्यों है, सब हेड क्यों तैयार किया जाता है, इसका नीड क्यों है, तो पहले बेसिक चीज बताइए सर, तब हम लोग को समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, सबसे पहले आपको ये जानने के लिए जानना, डिमांड सारा आप जान रहे हो, एक नंबर, और हम लोग एलोकेशन क्यों बनाते हैं, एलोकेशन में ग्रोथ करने के लिए, इसी से रिलेटेड हमारा सस्पेंस भी होगा। अब एक सी बात है, कैपिटल नेचर का खर्च डिमांड 16 में जाएगा और रेवेन्यू नेचर का खर्च 3 से 13 में जाएगा। ये पहले जानना होगा कि 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 9 क्या है, 11 क्या है, 12 क्या है, तभी ये समझ में आएगी। हालांकि थोड़ी सी डीपली हो गई लेकिन अकाउंट्स में है, अगर आप बिल पासिंग में रहेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ ही जाएगी, चाहे जहां भी हो। तो जैसे अगर जमीन खरीदने की बात आएगी तो देखिए इसी तरह ये डिमांड 16 है, ये 16 डिमांड है, ये 53 जो है 53 प्लान हेड है जो हम सब हेड कहते हैं, और इसमें 20 जो है डिटेल हेड हो गया इसका, और उसके आगे PU लगाएंगे। सेम केस अगर इस चीज को ले लें, उग्रवादी हमें उन लोगों को ड्राइवर के घायल होने पर प्रदत्त अनुग्रह, आप जानते हैं कि डिमांड नंबर 11-12 में ये सारी सेवादान उपादान फैसिलिटी दी गई है, इसलिए इसकी थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। तो 12 नंबर डिमांड क्या है, 12 नंबर डिमांड में सारा फैसिलिटी दिया हुआ है एम्प्लाई के लिए, तो उसी 12 में अकेले उसका सोर्स ऑफ फंड है 600, ये माइनर हेड हो गया, 680 डिटेल हेड हुआ, और 687 680 सब हेड हुआ, और 687 डिटेल हेड हुआ। ठीक है, तीन ही चीज है जो 3 आंका में रहेगा, 3 दहाई में, 600 माइनर बताया जाए। हेड। हेलो हाँ बोले हेलो सर, जी, आवाज आ रही सवाल है, में समझ कुछ नया बताया जाए सर, में नहीं आ रही है? आवाज आ रही, ठीक है, इंट्रोडक्शन है तो मतलब बेसिकली समझाया जाए कि प्राइमरी हेड क्यों जरूर है, सब हेड कौन सा है, मेजर हेड कौन है, एकदम कुछ भी वही तो समझ में मैं नहीं आ कहना रहा चाह है रहा हूं मतलब। ना। तो आप प्राइमरी हेड जानेंगे, जैसे 03 का मतलब क्या हुआ, 03 का मतलब रेवेन्यू के लिए प्राइमरी यूनिट हुआ, बोनस का खर्च है। वही अगर कैपिटल ने तरह खर्च रहेगा तो ये दूसरा चीज है, कैपिटल ने तरह तीसरे बारे में हो जाएगा। सबसे पहले रेवेन्यू के लिए जानना पड़ेगा, ये आपको एलोकेशन बताते हैं प्राइमरी यूनिट, तो इसका मतलब यही चीज जानना होगा पहले। देखिए रेवेन्यू का
प्राइमरी यूनिट ये रहा, शुरू हुआ दिख रहा स्क्रीन शॉट दिखाई पड़ रहा है? यस सर दिखाई दे रहा है। नमस्कार। हाँ तो सबसे पहले यही देखिए सर, 01 क्या डिनोट कर रहा है? सैलरी और वेजेस। तो ये कहलाता है पीयू, किसके लिए? रेवेन्यू नेचर खर्च के लिए, नॉट कैपिटल। यहाँ पर स्पष्ट हो लेना चाहिए कि ये खर्च रेवेन्यू का है या कैपिटल का। सबसे पहले रेवेन्यू का कैपिटल क्या कहलाता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस सारा का सारा रेवेन्यू कहलाता है। और अस्थाई संपत्ति खरीद रहे हैं, कोई संयंत्र लगा रहे हैं जिससे कि हमको कई साल तक चलते रहना है, वो कैपिटल होता है। तो सबसे पहले अंतर करना पड़ेगा कि कैपिटल नेचर का खर्च है कि रेवेन्यू नेचर का खर्च है। तो रेवेन्यू नेचर के लिए पीयू 1 से लेकर 99 तक है, ठीक है। तो 1 में जैसे कहलाता है सैलरी और वेजेस, जैसे हमारा एक सीनियर एसओ का सैलरी के लिए पीयू क्या कहलाएगा? पे खाली लिखेंगे तो 01 लिखाएगा। और वही डीए की बात आएगी, जिसको जो हम लोगों का अभी डीए जितना अमाउंट मिलता है वो लिखाएगा 02 डीएनएस पे डीएनएस अलाउड। और वही जो एक बार हम लोग को पीएलवी मिलता है उस समय पीएलवी में इस एलोकेशन में आता है 03-212-03, मतलब 03 जो पहला है वो डिमांड डिनोट किया और 212 माइनर हेड सब है डिटेल हेड तक आ गया। 200 हुआ माइनर हेड, 210 हुआ डिटेल हेड, 212 हुआ, तो 200 हुआ सब हेड, 212 हो गया डिटेल हेड। और उसके बाद का 2 अंक प्राइमरी यूनिट कहलाता है, जो डिनोट करता है कि किस मद में ये खर्च है, ठीक है। अगर किसी को टीए मिलना है, टीए मिला है तो पता चलेगा जब हम एनालिसिस करेंगे इसको कि टोटल ईसीआर पर कितना खर्च हुआ है, तो इसी पीयू से एनालिसिस करते हैं कि एचआरए में कितना पैसा जा रहा है, सैलरी एंड वेजेज में कितना जा रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये 7 है, इसी तरह से अगर किलोमीटर अलाउंस किसी को दिया जा रहा है तो वो 10 हो गया, ओवर टाइम अलाउंस 11 हो गया। इसमें देखिए कुछ अमेंडमेंट हालांकि नहीं है, सिर्फ 25 हम लोगों का है लीव इन कैशमेंट का, या इसका है 25, इसमें इंसर्ट नहीं है। 27 फिर उसी तरह का है, इसी तरह से 1 लेकर 99 तक हम इतना ही ले पाए हैं। जैसे सर आर यू लिसनिंग मी? हाँ हाँ ओके। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि सैलरी एंड सर सैलरी एंड बैगेज रहेगा तो वो 01 दिखा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी यूनिट है, 2 में कुछ और है, 3 में कुछ और है, तो उसको हम ABCDEFGH से भी डिनोट कर सकते हैं सर। वो डिनोट तो डिमांड करता है डिनोट में ABCD, वही तो मैं बता रहा था। सबसे पहले अपना एलोकेशन लीजिए, एक जे का वेतन का क्या एलोकेशन क्या होगा, तो उसका एलोकेशन परफेक्ट एलोकेशन, हाँ परफेक्ट एलोकेशन होगा 03-212-01, मतलब पे डीए नहीं, एचआरए नहीं, सीसीए नहीं, पे का। यहाँ डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि प्राइमरी यूनिट के लिए 03 होगा, लास्ट का जो 2 अंक है वो प्राइमरी यूनिट होता है, किसी भी एलोकेशन का लास्ट 2 अंक प्राइमरी यूनिट, उसके बाद का 2 अंक डिटेल हेड, उसके बाद का 2 अंक मिला करके 212 हुआ, तो 210 हुआ सब हेड, 212 हो गया डिटेल हेड, वही 200 माइनर हेड, ठीक है ओके सर। सर हाँ बोलो जाए बोलिए। तो पहले सब, तो पहले जो डिजिट होगा वो सब हेड होगा, देन डिटेल हेड होगा, और लास्ट में प्राइमरी यूनिट होगा? नहीं, MSD पहले 212 समझिए पहले आप, ठीक है। 03 को छोड़ दीजिए, 03 अपना डिमांड है, ठीक है। 03 मतलब अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हुआ, 04 स्टोर्स हो जाता है, 05 कुछ और हो जाता है, हो जाता है 09 ट्रैफिक हो जाता है। जैसे एक स्टेशन मास्टर का वेतन के लिए लिखेंगे ना तो 09 से शुरू करेंगे। अब आई बात समझ में? 09 डिमांड नंबर हो गया 9। हाँ,
और 212 जो उसका होगा उसमें से 200 माइनर एड हुआ, ठीक है, 200 माइनर एड। एक्सक्यूज मी सर, सर इसको ना सर आप एक कॉपी में पेन से लिख कर ना सर हम लोग को दिखा कर बताइए ना, तो उसका माइंड में ना फिगर बन जाएगा तो हम लोग को क्लियर समझ में आएगा। लिख के बताइए सर, आओ उसको सामने भाई सामने लिख दीजिएगा उसमें। जी यहाँ देखिए ये दिख रहा है, ये वाली चीज दिख रहा है। यस सर दिख रहा है, यहाँ पर मेरा कर्सर है, यस सर कर्सर दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तो यही 03 03 है, तो यहाँ 3 का डिमांड नंबर हो गया और ये 200 पहले इसको समझिए, 212 ने समझिए पहले पहले 200 इसी के सामने ये दिखाया ना, ये देखिए ये किताब है 200 फिर 210 यहाँ आए हैं 211 फिर 220 230 240 इस तरह से बनते जाएगा रिवाइज होते जाएगा, ये चीज ये 200 हुआ माइनर हेड, ये माइनर हेड है 200 देख रहे हैं, 100 में चलिए जीएम साहब को बेहतर लेकर चलते हैं हम लोग, ठीक है हम लोग जीएम साहब को बेहतर लेकर चलते हैं, 100 ये माइनर हेड है, 110 सब हेड हो गया, यहाँ सब हेड दिख रहा होगा, ठीक है, और ये 111 डिटेल हेड हो गया, ठीक। हेलो, हाँ सर, ये सर सुन रहे हैं, 111 डिटेल, हाँ 111 डिटेल हेड हुआ, इसके बाद का जो दो अंक होगा वो रिलेटेड रहेगा पे डीए एचआरए सीसीए नाइट अलाउंस वगैरह वगैरह या 99, ठीक है, अगर हाँ एम एस डी राइट, एम एम फोर माइनर हेड, एस फोर सब हेड, डी फोर डिटेल हेड। तो अगर कहा जाए कि आप हमारे जीएम साहब का वेतन क्या है यानी पे क्या है, पे का एलोकेशन पे में कितना रुपया जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा, 03 111 01, हाँ ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पहला सैकड़ा में जो है वो माइनर है, फिर दहाई का जो दो अंक है अभी में क्या कहते हैं वो होल फिगर में जो है वो सब हेड और उसके बाद डिटेल हेड, ये चीज तो है, और उसके बाद का लास्ट का सबसे दो यूनिट जो है वो प्राइमरी यूनिट कहलाता है। किधर है सर ये स्क्रीन पर दिख रहा नहीं सर, आप ना हम लोग को बात समझ नहीं रहे हैं, इससे क्लियर नहीं हो रहा है सर, आपके पास कॉपी पेन है ना उस पर थोड़ा एक डिजिट लिखिएगा ना सर, हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी चीज को तो यही तो कॉपी पर ये लिख रहा है ना, ये देखिए लिखा हुआ है ये 03 ब्लिंक होता है कभी अपन साफ नहीं दिख रहा है सर पूरा, कैसे कॉपी मिलती है किताबें कैसे फिर पूरा साफ दिखता तब तो सर, जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है ना सर, उस तरह से 10 डिजिट लिखिए और इसमें लेफ्ट से या राइट से आप बताइए कि कर दीजिए, हां ये होगा वो ज्यादा क्लियर होगा इस तरह से। एक मिनट जरा सर, एक मिनट जरा सर, हेलो, यस सर, हां यस यस सर, देखिए 03 जो पहला डिजिट अंक है वो डिमांड है, 212 एलोकेशन का जो 200 माइनर हेड, फिर 210 सब हेड, फिर 212 डिटेल हेड, और उसके बाद 3 जो है प्राइमरी हेड हो गया, नहीं हेलो हाँ सर
इसमें लिखा हुआ है 03 फिर 212 और फिर लास्ट में 01। हाँ 01 सैलरी पे। अच्छा ठीक है सर, तो इस तरह से कोई डिजिट लिखा हुआ रहेगा तो फर्स्ट के टू डिजिट जो होगा वो डिमांड नंबर को शो करेगा। एकदम राइट। हाँ और फिर मिडिल का जो थ्री डिजिट होगा वो डिटेल हेड को शो करेगा। नहीं वो डिटेल हेड मिडिल का 312 है ना, 212 डिटेल हेड हुआ, लेकिन 210 सब हेड हुआ और 200 माइनर हेड हुआ। 210 सब हेड हुआ और 200 माइनर हेड हुआ राइट राइट। अच्छा ओ अच्छा लास्ट में 01 सर, लास्ट में 01 प्राइमरी यूनिट है, पीयू प्राइमरी यूनिट है, प्राइमरी यूनिट है। हां अच्छा, इसमें जो सर इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है जैसे जो मिडिल है 200। हेलो सर, एक एक कर बोलिए नहीं तो आवाज गड़बड़ा गया। क्या करूँ, साइलेंट प्लीज, स्पीक वन बाय वन डियर फ्रेंड्स, स्पीक वन बाय वन डियर फ्रेंड्स, सबको मौका दीजिए पूछने का। ठीक है हेलो सोनू जी बोलिए आप। हाँ बोल रहे कि डिमांड नंबर के बाद दो अंक के बाद तीन क्या हुआ, तीन अंक के क्या बोले उसके बाद, उसके बाद प्राइमरी यूनिट डिमांड नंबर सर दो अंक हुआ ना सर, उसके बाद तीन अंक का क्या बोले, तीन अंक में कुल तीन अंक 212 डिटेल हेड कहलाएगा, लेकिन उसी में 210 छिपा हुआ है ना जी, 212 210 छिपा हुआ है तो वो 210 जो कहलाएगा डिटेल हेड सब हेड कहलाएगा, और सब हेड 200 भी छिपा हुआ है। हाँ, मतलब हम पूछना चाहते हैं सर सीक्वेंस क्या है, डिमांड सब हेड मेजर हेड प्राइमरी यूनिट मतलब सीक्वेंस क्या है, MSD माइनर हेड सब हेड डिटेल हेड। अच्छा पहले माइनर हेड हुआ। हाँ हाँ पहले डिमांड को छोड़ दिए, पहले माइनर हेड हुआ। हाँ अच्छा तो डिमांड कब हुआ था, 03 डिमांड शुरू अच्छा अंक होगा। हाँ तो जिन डिमांड के बाद माइनर हेड सब हेड ऑफ डिटेल हेड। हाँ हाँ राइट। हेलो हाँ हाँ जी, शुरू का दो अंक लास्ट का दो अंक पहले आप हटा लीजिए। अच्छा तो बचा सिर्फ 212, तो 212 में 200 माइनर हेड कहलाएगा, 210 सब हेड कहलाएगा और 212 डिटेल हेड कहलाएगा, इतना ही है MSD। MSD ना सर, MSD MSD ठीक है सर, मुंबई शिमला दिल्ली, मुंबई शिमला दिल्ली राइट। और 03 जो डिमांड है ना उसको अगर अल्फाबेट में कहें 03 को हम लोग ए कहते हैं, 04 को बी कहा जाता है, इसीलिए पहले मैंने कहा कि डिमांड 16 का 16 जानकारी होनी चाहिए तब ये कंसेप्ट में क्लियर आएगा। और रेवेन्यू नेचर का खर्च डिमांड 3 से लेकर 13 तक याद है जी, 116 तक सर बता दिया जाए, 116 तक बता दिया जाए राइट। अच्छा एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए सर, एज पर रेलवे बोर्ड देयर आर 16 डिमांड्स, एम आई राइट सर? यस एंड एज पर यू From 1 to 13 includes revenue expenditure and 16 includes total expenditure. एक मिनट, 1 to 13 नहीं, 3 to 13 revenue expenditure, 1 to railway board expenditure. अच्छा 3 to 13 revenue expenditure. हाँ तो सर 1 and 2 railway board के लिए। अच्छा अच्छा
सर जो रेस्ट बच रहा है, सर जो रेस्ट 14 और 15 बचा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रहेगा या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में? ये इसके लिए अप्रोप्रिएशन किया जाता है रेलवे बोर्ड के द्वारा, निधियों में विनियोग 13 क्या है, सेवानिवृत्ति से संबंधित है, सेटलमेंट है, और 14 जो है निधियों में विनियोग है, सिर्फ DRF में कितना पैसा देना है, DF में कितना पैसा देना है, पेंशन में कितना पैसा देना है, ये एज पर सिचुएशन रेलवे बोर्ड जोनल को प्रोवाइड कराता है। इसलिए तो सर वो भी तो एक प्रकार का एक्सपेंडिचर ही हुआ, एक्सपेंडिचर वो राइट, लेकिन रेवेन्यू नेचर उसको कहते हैं जो संचालन में खर्च हो, रेकरिंग एक्सपेंसेस है। तीन से अब आप आगे चले हम लेकर के 3, 4, 5 ये बिल्कुल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ठीक है, 4, 5, 6, 7 से लेकर के ये इक्विपमेंट है, सात 3 से लेकर 7 तक, 3 तो जनरल सुपरिटेंडेंट एंड सर्विसेज है, ठीक है सर, वो तो हम जानते हैं सर, नहीं वो तो हम जानते हैं सर, मेरा क्वेश्चन जो था उसका सर मतलब उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो निधि में जो खर्च होता है तो वो भी तो एक खर्च ही हुआ है ना, तो वो भी तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ही आना चाहिए, आना चाहिए। रेवेन्यू में क्यों आएगा, रेवेन्यू एक निरंतर ऑपरेटिंग रेशियो में आ जाएगा, वो ना ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए 313 ही आता है, हमारा संचालन का खर्च वो नहीं है, रेलवे उससे चलती नहीं है, निधियों में विनियोग पेंशन देने से हमारा रेलवे नहीं चल रहा है, रेलवे चल रहा है चलाने में जो खर्च हो रहा है, राइट। अच्छा सर एक जगह हम पढ़े हैं सर, एक जगह हम पढ़े हैं कि डिमांड नंबर 16 पर्टेन्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड बिसाइड दिस ऑल टाइप्स ऑफ डिमांड्स यानी इंक्लूड 1 to 15 पर्टेन्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप जो बोल रहे हैं नहीं। और हम जो पढ़े हैं तो दोनों में तो डिफरेंस हो रहा है सर, 15 मैं बता तो रहा, 14, 15 रेलवे बोर्ड सिचुएशन के अनुसार अर्थी का खर्च नहीं है, रेवेन्यू का खर्च नहीं है, वो 3 से 13 ही रेवेन्यू है, रेवेन्यू और कैपिटल पूंजीगत खर्च और राजस्वगत खर्च में यही अंतर है, वो खर्च आप अगर ऑपरेटिंग रेशियो निकालना जानेंगे उसके लिए ऑपरेटर से निकालेंगे ना तब ये क्लियर हो जाएगा, जैसे देखिए हम एक शेयर करें उसमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए उसमें 3 से 13 ही आता है, 14, 13, 14 नहीं आता है, ठीक है। 14, 15 को क्या, 14, 15 क्या हो सर, वो 14, 15 हमारा निधियों में 14, 15 क्या उसको लीजिए सर, हेलो सर जैसे आप बोले कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, तो सर ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए उसका जो मतलब जिस फॉर्मूला से निकालते हैं वर्किंग एक्सपेंसेस बाय ग्रॉस अर्निंग इनटू 100, तो वर्किंग एक्सपेंस में तो वो भी तो आ जाएगा जिसमें हम क्या बोलते हैं फंड में जो पैसा दे रहे थे पेंशन फंड या फिर DRF कह लीजिए, नहीं आएगा, देखिए सर ये आप ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा सर, ये हम आपके लिए व्हाट्सएप पर डाले हैं, इसको जरा गौर से देखिएगा, कोचिंग अर्निंग लेस रिफंड, गुड्स अर्निंग लेस रिफंड, फिक्स ट्रैफिक अर्निंग, ट्रैफिक अर्निंग में ये दोनों को जोड़ेंगे तो ट्रैफिक अर्निंग हो जाएगा, इस चीज को आप जरा सा गौर से देखिएगा, दिख रहा होगा ये सर, दिख रहा है ना, अब इसी को और आप नीचे आते जाएंगे तो देखिए हमने एक लिख दिया है ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला 13/5 यानी ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ग्रॉस अर्निंग, ठीक है, तो 3 से ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस में देखिए 3 से 13 का खर्च है, 10 नंबर जो दिख रहा है ना इसमें 3 से 13 का ही खर्च होता है एक्सपेंसेस बुक्ड अंडर फाइनल हेड एक्सक्लूडिंग प्रिपरेशन टू DRF एंड पेंशन, आपका फाइनेंस वॉल्यूम 1 जो कोड है रेलवे का उसका 308 का आर्टिकल में है, ये समझ गए 308 में है, ये आप जो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस लिखते हैं इतना बटे सकल आय
है ना 13/5 जो कहते हैं, पांच नंबर में ये देखिए ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग में क्या है, ग्रॉस अर्निंग और ग्रॉस रिसीट, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, सकल आय और सकल प्राप्ति में क्या अंतर है? आवाज मेरी जा रही है? यस सर, लिसनिंग सर। हाँ, तो सकल आय उसको कहते हैं मैंने एक अकाउंटिंग पीरियड में प्राप्त समस्त आमदनी, क्या कहें, ट्रू और एक्रूड अर्निंग इन अकाउंटिंग पीरियड, वेदर और नॉट एक्चुअली रियलाइज, चाहे वो हमको मिला है अथवा नहीं, लेकिन वो हमारा ग्रॉस अर्निंग कहलाएगा। सपोज करें कि कोई टिकट आज काटा, 3 महीने के बाद की जर्नी है, हम तो अभी उसकी सर्विस दिए, लायबिलिटी हमारी बनी हुई है, लेकिन हमारे खाते में पैसा आ गया, वो रेलवे खाते में, उसको हम ले लेंगे ग्रॉस अर्निंग। लेकिन वही ग्रॉस रिसीट में है जो एक्चुअल पे हुआ उसकी बात कहता है, अर्निंग एक्चुअली रियलाइज्ड ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग पीरियड। ये दोनों में खास अंतर है, ठीक है? तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के क्रम में हमारा ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस, जिसमें कि डीआरएफ और डीएफ भी शामिल है, लेकिन ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस जहां कहेंगे ओडब्ल्यूई, वो रहता है 3 से 13 तक का, 14-15 यही है, देखिए 14 और 15, 11 नंबर पर 12 नंबर जो लिखा हुआ है वही है, ये रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है, हम लोग इसको खर्च नहीं करते हैं या कोई नहीं करता, मतलब अपने से डिसाइड नहीं कर सकते इसको, सीधा समझने ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस हमारे द्वारा खर्च किया जाता है, रेल संचालन में खर्च होता है, लेकिन ये खर्च करने का देता है रेलवे बोर्ड परमिशन, समय टू समय, टाइम टू टाइम ये देते रहता है। उसी ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई ग्रॉस अर्निंग इंटू 100, ये ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है। और उसके आगे और अलग जानेंगे, देखिए नेट अर्निंग 5 यानी ग्रॉस अर्निंग में से 13 घटाएंगे, 13 मतलब हुआ ये ग्रॉस रिसीट, जीडब्ल्यूई मीन्स ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस, और उसी को नेट रिसीट यानी शुद्ध आय क्या हुआ, तो टोटल रेवेन्यू रिसीट में से 9 में से देखिए टोटल रेवेन्यू रिसीट माइनस ये 17 में टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस तथ्य को आप जरा सा गौर से देख लेंगे बहुत काम आएगा ये, ठीक है? हेलो, उलझ के लगता रह गया क्या? आवाज मेरी जा रही है? तो इसको आप लोग देखेंगे ना गौर से, अभी हो सकता है हम बोल रहे हैं बहुत सारी बातें नहीं लिखा हुआ, ये आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लेंगे देखने के बाद। शुरू से देख लीजिए आप, कोचिंग अर्निंग और गुड्स अर्निंग दोनों मिला के क्या कहलाता है, ट्रैफिक अर्निंग। ट्रैफिक अर्निंग में अगर सन्ड्री डाल दिए, सन्ड्री का मतलब यह है कि स्टेशन पर प्लेटफार्म पर चाय बिस्कुट बहुत तरह का जो स्टॉल लगा हुआ है उससे जो अर्निंग मिल रहा है वो सन्ड्री अर्निंग में आ गया, तो सन्ड्री अर्निंग को जोड़ देंगे तो हमारा ग्रॉस अर्निंग कहलाएगा। ग्रॉस अर्निंग में चाहे 3 महीने का है, चाहे टोटली जो एक्रूड हो गया हमारा, चाहे उसके लिए रियलाइज हुआ या नहीं उससे मतलब नहीं है, एक्रूड होगा हम ग्रॉस अर्निंग में ले लिए। और ये सस्पेंस है, सस्पेंस वही माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ग्रॉस रिसीट कहलाएगा। यानी ग्रॉस अर्निंग का अर्थ ये कहेंगे कि एक अकाउंटिंग पीरियड में प्राप्त हुआ सभी आय, चाहे उस महीने से संबंधित हो या नहीं, सकल आय कहलाता है। लेकिन सकल प्राप्ति उस महीने को प्राप्त समस्त आय, उसी महीने में जो प्राप्त हुई है वही सकल आय कहलाता है, जिससे वो रिलेटेड है, एक्चुअली वो रियलाइज हो गया। उस तरह से अगर और मिसलेनियस रिसीट जोड़ देंगे, जैसे कि टीटी वगैरह ले लेता है, फाइन करता है तो उससे प्राप्ति होती है, या और कोई किसी तरह का बोनस किसी का जब्त करते हैं टीटी के द्वारा, किसी रेलवे प्रशासन के द्वारा, तो वो रिसीट जो है मिसलेनियस रिसीट कहलाता है, और उसको मिला करके ग्रॉस रिसीट में कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू रिसीट माना जाता है। हमारे में टोटल रेवेन्यू रिसीट, टोटल राजस्व,
2F से लेकर के 9 तक हमारा आय का स्रोत है और 10 से लेकर के 13 तक हमारा संचालन का खर्च है, राइट। तो 13 जो एक तो होगा 3 से 13 10 नंबर ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस साधारण संचालन व्यय, ये कहलाता है 3 से 13 तक का डिमांड का खर्च, और उसमें से 14 और 15 ये हमारा डीआरएफ को विनियोग की जाती है और पेंशन में विनियोग की जाती है रेलवे बोर्ड के द्वारा, और दोनों को मिला देते हैं तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस कहलाता है। हेलो सर, तो इसको आज आप गौर से देख लेंगे और थोड़ा लिटरेचर भी पढ़ लेंगे तो स्पष्ट आ जाएगा। 920 सब जो लिखा हुआ है क्रम संख्या है, ये जो 13+14 लिखा हुआ है मतलब ये 13+14। सर एक क्वेश्चन और है सर जी। हाँ, डिमांड नंबर 1 और 2 और डिमांड नंबर थ्री से हम लोग काउंट करते हैं कि थ्री का ए हो गया, फोर का बी हो गया, तो सर वन और टू को छोड़ रहे हैं, उस पर कुछ सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए। से वन है रेलवे बोर्ड में पदस्थापित जितने आदमी हैं, ऑडिट है, सर्वे का खर्च है, ये सब दो में जाता है, ठीक है जी। वन का खर्चा रेलवे बोर्ड के संगठन में जितना भी खर्च है वो डिमांड नंबर 1 में है, लेकिन ये सर्वे का खर्च ऑडिट डिपार्टमेंट जो अपना है, ऑडिट मतलब पीडीए प्रधान निदेशक तो उसका डिमांड नंबर जाता है। उसके बाद डिमांड नंबर 3 कहलाता है यह सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं, वो हमारे जोनल रेलवे में खर्च सब है। सर थोड़ा क्लियर किया जाए, चार जब आते हैं तो आता है एक्सक्यूज मी सर, हेलो एक्सक्यूज मी सर, किशोर सर आ टू थोड़ा क्लियर किया है, टू क्या है सर? सर हेलो, एक मिनट ही समय बचा है, अगर फिर से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा सर। टू क्या है, क्लियर किया जाए। हेलो सोनू जी, सुन रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं सर, सब पूछे सर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, उधर का लगता है माइक लगता है। सर क्या बोले, क्या बोले सर, टू के बारे में सर क्या बताए? अभी मेनली एक के बारे में ही बता रहे थे। अच्छा अच्छा, बाद में कटने लगा आवाज ना, पता नहीं चला। हाँ। थ्री बताने लगे। और सोनू जी कैसे हैं? बस चल रहा, आप लोग दुआएं सब ठीक है? अरे तो हम लोग के दुआ के अनुसार दौड़ना चाहिए। अच्छा, अभी समय भी खत्म हो गया है तो अभी थर्ड सेशन के ठीक है, अभी सर हमारे पास आगे बैठे हुए हैं तो सेशन में। अच्छा ठीक है, अभी तो आपकी शुरुआत है, सारी बात समझ में आ जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।